Today my topic is the Earth in space. First of all, I tell you about axis. The imaginary line on which the Earth spins, it is called axis. एक जो तसफराती लाइन जिस पर अर्थ घूमती है उसे हम एक्सिस कहते हैं. मूवमेंट ऑफ अर्थ, देयर आर टू मूवमेंट ऑफ अर्थ. फर्स्ट इज रेवोल्यूशन एंड रोटेशन एंड सेकेंड इज रेवोल्यूशन. रोटेशन, अर्थ स्पिन ऑन इट्स एक्सिस इन एंटी क्लॉक वाइज डायरेक्शन. दिस मूवमेंट इज कॉल्ड रोटेशन. अर्थ अपने एक्सिस पर एंटी क्लॉक वाइज डायरेक्शन में घूमती है उसे हम रोटेशन कहते हैं. जैसे कि ये ग्लोब है, ये अपने एक्सिस पर घूम रही है और जो हिस्सा सूरज के नज़दीक होगा वो वहाँ पर दिन होगा और जो सूरज की बाईं साइड पर होगा उसमें शाम होगी. नेक्स्ट इज रेवोल्यूशन. रेवोल्यूशन, द अर्थ स्पिन ऑन इट्स एक्सिस एंड इट आल्सो मूव अराउंड द सन. अर्थ अपने एक्सिस के गिर्द घूमती है और सन के इर्द गिर्द भी, उसे हम रेवोल्यूशन कहते हैं. अपने एक्सिस पर घूमने पर 24 आवर्स लगाती है. नेक्स्ट आई टेल यू अबाउट ऑर्बिट. ऑर्बिट, द अर्थ अराउंड द सन एंड द सन अराउंड द अर्थ. दिस एंड अ फिक्स्ड पाथ, दिस इज कॉल्ड ऑर्बिट. फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि ये अर्थ सूरज की गिर्द घूमती है और मून अर्थ के गिर्द घूमता है. इसको हम ऑर्बिट कहते हैं. इसी सिलसिले से सीजन्स बनते हैं. थैंक्स.